हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम मृदुल शर्मा है ना। तो आज मेटेरियल साइंस की फर्स्ट यूनिट जो आपको मैंने से पहले वीडियो में कराई थी उसके बाद की चीज़ें कवर करते हैं, है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जहाँ तक हमने पढ़ लिया तो उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार और उसके बाद देखते हैं क्या पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में सॉलिड सॉल्यूशन नाम था यूनिट का, इसमें हमने सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ा था। सॉलिड सॉल्यूशन मैंने बता दिया था, इसके एग्जांपल दे रखे थे, टाइप्स बता दिए थे सॉलिड सॉल्यूशंस के। दो टाइप होते हैं, हेमेरुथ्रीज रूल था सॉलिड सॉल्यूशन के लिए, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन सेकंड टाइप हो गया था सॉलिड सॉल्यूशन का। इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम होते क्या है और इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम के बाद इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम के, और उसके बाद फेज क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, और गिब्स फेज रूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था इस नोट से। ये न्यूमेरिकल दे रखा था, अगर इसे करना चाहिए सिंपल न्यूमेरिकल आप इसे कर सकते हो, है ना, एक बार करके देख लेना। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती थी, मैंने इससे पहले यहाँ पे करा दिया था इससे पहले का, तो फिर मैंने कहा था कि ये आपको कराऊंगा, है ना। तो ये आपका बाइनरी डायग्राम, पहले आप लोग समझ लो इक्विलिब्रियम जो डायग्राम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। वो मेनली जो है चार टाइप के मेनली होते हैं। तो कुछ ऐसे पहला टाइप इसमें दे रखा है कि बाइनरी डायग्राम इन विच कॉम्पोनेंट्स कम्प्लीटली सोल्यूबल इन द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कम्प्लीटली सोल्यूबल है एंड ऑल्सो कम्प्लीटली सोल्यूबल इन सॉलिड स्टेट। जैसे यहाँ पे दिखा रखा लिख रखा है कि इन सच डायग्राम्स टू कॉम्पोनेंट्स कम्प्लीटली सोल्यूबल, दो कॉम्पोनेंट की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कॉपर निकल का ले सकते हैं, टीन लेड का ले सकते हैं। फिलहाल जो इसमें ले रखा है वो ए और बी कंसिडर कर रखे हैं दो, ये लिक्विड फेज ए और बी के लिए बात कर रहा है। दो कंपोनेंट है ए और बी जो कम्प्लीटली सोल्यूबल है लिक्विड में भी, और साथ साथ लिक्विड में भी कम्प्लीटली सोल्यूबल है और साथ साथ सॉलिड सॉलिड स्टेट में भी कम्प्लीटली सोल्यूबल है ना। तो आज हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। वैसे थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार और इसे देख लेते हैं। इस डायग्राम में आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, ये जो मेन मेन किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है ये समझना इम्पोर्टेंट है। पहले तो सबसे पहले बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, कितने टेम्परेचर पे, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेटल मतलब उसका कंसंट्रेशन कितनी है मेटल ए की और मेटल बी की। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ जिससे डायग्राम आपको क्लियर दिखाई दे जाए, ये हो गया है ना। और तीसरा ये बात करता है फेज की, यहाँ पे कौन सा फेज किसका है, लिक्विड का फेज है या फिर सॉलिड का फेज है और या फिर बीच में लिक्विड प्लस सॉलिड का फेज है, और बीच में एक ये कंसिडर कर रखा है, एक लाइन जा रही है, ये T1 T2 T3 T4 है ना, ये टेम्परेचर दिखा रखे हैं और ये टाई लाइन बोली जाती है इसको। तो आज इसी को एक्सप्लेन करेंगे, करूंगा मैं, और इसे समझेंगे है ना, जो नोट्स में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, पहले इसने लिख क्या रखा है। फिगर शोज द इक्विलिब्रियम डायग्राम फॉर ए सिस्टम ऑफ कॉम्पोनेंट्स, द अपर लाइन कॉल्ड लिक्विडस कोरस्पोंडेंस टू द टेम्परेचर एट विच द एलॉय बिगिन टू सॉलिडिफाई एंड द लोअर लाइन कॉल्ड सॉलिडस इंडिकेट्स द कम्प्लीशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये दो लाइनें दे रखी हैं, अपर लाइन और एक लोअर लाइन। अपर लाइन को लिक्विडस लाइन बोला जा रहा है और जो नीचे वाली लाइन है ये लोअर लाइन है, लोअर लाइन को सॉलिडस बोला जाता है। अब ये लाइनें कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं इस डायग्राम में। जो ये लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन बन के जा रही है यहाँ से इस टेम्परेचर से और यहाँ तक की, इस जो लाइन जो अपर लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं लिक्विडस। लिक्विडस इसलिए बोला जाता है कि ये लाइन सेपरेट करती है लिक्विड फेज को लिक्विड प्लस सॉलिड फेज से। ठीक है, और जो नीचे वाली लाइन दे रखी है इस लाइन को बोला जाता है सॉलिडस लाइन। ये सेपरेट करती है सॉलिड सॉल्यूशन को किससे, लिक्विड प्लस सॉलिड से, मतलब इसमें कोई भी लिक्विड का पार्टिकल नहीं है। और ऐसी जो इसी लिक्विडस लाइन है इसके ऊपर वाला जो ये पोर्शन है इसमें कोई सॉलिड का पार्टिकल नहीं है, लेकिन जो बीच का फेज है इसमें लिक्विड प्लस सॉलिड है ना। तो सपोज एक टेम्परेचर यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा इस डायग्राम को और अगर आप देखोगे तो मेटल ओ और बी की भी बात समझ लीजिए आप। अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट की बात करते हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इस पॉइंट पर जो ए की परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है, वही इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो बी की परसेंटेज है वो यहाँ पर 100% हो रही है ना। यहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग करने पर कौन सा फेज बनता है, अगर हम फर्नेस के अंदर किसी दो मेटल को मिक्स करके अलॉय बना रहे हैं वो इस चीज से रिप्रेजेंट हो जाता है, इस डायग्राम से रिप्रेजेंट हो जाता है ना। तो अगर हम इस तरफ को बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के राइट साइड में, है ना, मेरा राइट साइड बैठ रहा है ना, तो
हम कहेंगे कि एक ही परसेंटेज इस तरफ को इंक्रीज होती जा रही है। अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर हम ये समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो ए का कंसेंट्रेशन है, जो ए की परसेंटेज है वो 60% है और बी की जो परसेंटेज है वो 40% हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे ए की परसेंटेज 40% है और साथ साथ बी की परसेंटेज इस पॉइंट पर 60% हो जाएगी। सिमिलरली इस पॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट जीरो की बात करते हैं, मैं क्लीन कर देता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर केवल ए है, सॉरी इस पॉइंट पर बी 100% है ना। तो बी 100% पे इस पॉइंट पर, इस वाली एक्सिस पर, यहाँ पे ये आपका 100% है। अब हम इस तरफ को मिक्सिंग करते जा रहे हैं तो ए की परसेंटेज मिक्स होती जा रही है, इसका मतलब बी के अंदर ए को हम मिक्स करते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फेज में चेंजेस आएंगे और जो टेम्परेचर यहाँ पे, जो मेल्टिंग टेम्परेचर या फिर फिजिकल जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। इस तरफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, इधर 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 बढ़ता जा रहा है ना। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट ए की बात करेंगे, पॉइंट ए यहाँ पे 100% है, मतलब प्योर मेटल है। प्योर मेटल के ऊपर एक टेम्परेचर यहाँ पे होगा कि इस टेम्परेचर के ऊपर की तरफ, इस वाले पोर्शन में, इस लाइन के इस वाले पोर्शन में ऊपर की तरफ जो फेज मिलेगा वो लिक्विड फेज मिलेगा और उसके नीचे हमें सीधा सॉलिड फेज मिल जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक डायग्राम हो गया कि कैसे बिहेव करते हैं, कौन सा फेज मिलता है हम लोगों को जब हम किसी दो मेटल को मिक्स करते हैं। वो भी उस केस की बात कर रहे हैं कि जब आपका जो सॉलिड सॉल्यूशन है, आइसोमोर्फस जो सिस्टम है, है ना, उसमें दो कंपोनेंट ले रखे हैं, दोनों कंपोनेंट सोल्यूबल हैं, लिक्विड स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी, ठीक है। उस केस की बात कर रहा है क्योंकि आगे दूसरे केस भी आएंगे, है ना। दूसरे केस में इसका जो आपका दूसरा केस है उसमें पार्टली सोल्यूबल होगा सॉलिड स्टेट में और 100% सोल्यूबल होगा, कंप्लीटली सोल्यूबल होगा लिक्विड स्टेट में, उसे ही हम यूटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ये टेक्टिक रिएक्शन नहीं है, तो पहले इसको बेसिक समझ लेते हैं ना, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या समझा रखा है, क्लियर कर देता हूँ एक बार और, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को, है ना, मुझे लग रहा है आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आ जाएगा, बुक में भी दे रखा है ना, आरके राजपूत की बुक होगी तो उसमें भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हो सकता है दूसरी बुक में दूसरे एग्जाम्पल से ले रखा हूँ, मैंने यहाँ पे और बी ले रखा है, वहाँ पे ए ना ले रखा हो, यहाँ पे कॉपर ले लिया हो, यहाँ पे दूसरा कोई एलोइंग एलिमेंट ले लिया हो, है ना, निकिल ले लिया हो। तो यहाँ तक की बात हो गई थी। इन द टेम्परेचर इंटरवल बिटवीन द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स द एलॉयज आर इन द सेमी सॉलिड स्टेट, ये इसके बीच की स्टेट की बात कर रहा है, इस स्टेट की बात कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठीक है, पेस्टी फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इन दिस टेम्परेचर इंटरवल बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड्स द एलॉयज आर इन द सेमी सॉलिड स्टेट, दे कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ ए एंड बी एंड द लिक्विड एलॉय, ठीक है, वही वाली बात है। अब आगे इतने केस कंसीडर किया कि नाउ कंसीडर सॉलिडिफिकेशन ऑफ एन एलॉय कंटेनिंग 60% ऑफ दी फ्रीजिंग स्टार्ट्स एट ए टेम्परेचर T1, अभी इसकी बात कर रहा है। 60% अगर हम ए ले लें, इस पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट के ऊपर ए हमारा 60% है, वहीं पे बी हमारा 40% है। तो एक अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर ले लें, फ्रीजिंग टेम्परेचर का मतलब ये हो गया आपका, इस टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड स्टेट है वो आपका सॉलिड स्टेट पे नीचे की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है ना। यहाँ से T1 से T2 की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं, फिर T3 पे आएगा और T4 पे कम्प्लीटली आपका सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा किसी भी एक पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जिस पर आपका जो ए है वो 60% है मेटल ए और परसेंटेज ऑफ मेटल बी इज द 40%, ठीक है। इसी को इसने एक्सप्लेन कर रखा है ना। Where the first crystal of the solid solution of the metal A and B separate from the liquid state, liquid allow. The concentration of the solid solution in equilibrium in the liquid phase is determined by the point of intersection of a horizontal line passing through the given temperature with the solid. ये line की बात कर रहा हूँ, horizontal line की, Q से लेके जो P को connect कर रही है horizontal line बीच में, इसे tie line बोला जाता है। इसका rule भी आपके syllabus में, वो मैं आपको explain कर दूंगा बाद में, हालांकि इससे समझ में आ जाएगा कि इस जो बीच का phase आ रहा है liquid plus solid का, तो इस पॉइंट पर अगर मैं पॉइंट क्यू की बात करता हूँ तो पॉइंट क्यू पर, क्यू का मतलब ये होगा कि लिक्विडस लाइन है ये, है ना, कि लिक्विड इस पॉइंट पर ये कितना सॉलिड इसके अंदर कंसेंट्रेशन है। और सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी की बात करूंगा तो इस सॉलिडस लाइन पे कितना कंसेंट्रेशन ऑफ लिक्विड है ना, तो उल्टा होगा। तो जो पॉइंट क्यू पे बन रहा है वो इसकी सॉलिड की परसेंटेज को बताता है इस पॉइंट पे, और अगर मैं पी की बात करता हूँ तो लिक्विडस लाइन में इसकी बात करता है कितना परसेंटेज ऑफ सॉलिड है ना। तो ये दोनों परसेंटेज वाले से हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है,
लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है टेम्परेचर टी टू को, इस टेम्परेचर को अगर हम आगे बढ़ा देंगे इस कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे, क्यू और पी दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। The concentration of the solid solution in equilibrium in the liquid phase is determined by the point of intersection of horizontal line passing through the given temperature with the solid phase. वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई है, ये concentration बताते हैं solid की liquidus line पे, liquid की solidus line पे, ठीक है। आगे इसमें दे भी रखा है, the concentration of the solid solution in equilibrium, ये हो गया था, the concentration of the liquid phase in solid phase determined by the inter सेक्शन ऑफ द सेम टेम्परेचर लाइन विद द लिक्विडस लाइन, वही जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आ रही थी, टाई लाइन जिसे बोल रहा है। फॉर एग्जांपल एट द टेम्परेचर ऑफ टी टू, पॉइंट पी एंड क्यू आर द कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड फेज रेस्पेक्टिवली, एट द टेम्परेचर टी थ्री दे आर रिप्रेजेंटेड बाई पी डैश एंड क्यू डैश। नहीं पे इस पॉइंट पे से हमने क्यू डैश और पी डैश से दिखा रखा टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर के कोरस्पेंडेंस में बात कर रहे हैं, है ना। एक टेम्परेचर पे पॉइंट क्यू और पी, और उसी नीचे अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं मतलब कूलिंग कर दें, या फिर अगर इसी की इससे हम ऊपर की तरफ जाएं तो हीटिंग करने के बाद क्यू और पी पॉइंट मिल रहे हैं, और इसी पर अगर टेम्परेचर कम कर दें टी थ्री कर दें तो आपको क्यू डैश और पी डैश बन जाते हैं दो लाइन, ठीक है, दो पॉइंट आपके। तो कंसंट्रेशन को बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल पी एंड पॉइंट पी एंड क्यू आर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड टेम्परेचर टी थ्री, दे आर रिप्रेजेंटेड बाई पी डैश एंड क्यू डैश। फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ वेट बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस एट द टेम्परेचर टी टू मे बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लीवर रूल। लीवर रूल से आप ये निकाल सकते हो कि वेट ऑफ द लिक्विड फेज अपॉन द वेट ऑफ द सॉलिड फेज, तो लिक्विड फेज कितना बन जाएगा आपका, लिक्विड फेज हो जाएगा आपका वेट ऑफ लिक्विड फेज टी टू इंटू पी और ये अपॉन में ये, ये लीवर रूल होता है ना। लीवर मतलब एक लीवर, अभी आगे आएगा जब मैं इसे पढ़ाऊंगा ना आगे, इसका एक पूरा का पूरा रूल दे रखा है, ठीक है, लीवर रूल सिलेबस में आपके, ठीक है। तो इस तरह से ये मिक्सिंग की जाती है मेटल ए और मेटल बी की। इसी तरह किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हो, इस लाइन को भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे भी टेम्परेचर कंसीडर किए जा सकते हैं। तो मेनली ये पॉइंट जो टाई लाइन है यही बताती है कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड फेज, ठीक है। पॉइंट क्यू एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो पॉइंट क्यू है वो लिक्विड लाइन में सॉलिड की कंसेंट्रेशन को बताता है, और जो पॉइंट पी है वो सॉलिड लाइन पे मतलब सॉलिड लाइन पे, सॉलिड मतलब सॉलिड लाइन ही हो गया, इस पे लिक्विड की परसेंटेज बताता है, कंसंट्रेशन बताता है कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड सॉलिड के अंदर रहेगा। इसके बाद जब नीचे चले जाएंगे इस लाइन से जो सेपरेट कर रही है, क्योंकि सॉलिड लाइन सॉलिड को लिक्विड प्लस सॉलिड से, तब पता चलेगा कि ये हमारा पूरा कंप्लीटली सॉलिड नीचे आ गया है, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस बी है ना, ये लिक्विड प्लस सॉल्यूशन है दोनों का ए और बी पे। जिस तरफ जितनी इधर की तरफ जाओगे तो आपकी बी की ए की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, और इस तरफ जा रहे हो तो आपकी बी की परसेंटेज इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ये हो गया। अगला आपका दे रखा है यूटेक्टिक सिस्टम। यूटेक्टिक सिस्टम जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उसका पहला एग्जांपल दे रखा है, दो मेटल कम्प्लीटली सोल्यूबल इन लिक्विड स्टेट, कम्प्लीटली सोल्यूबल है लिक्विड स्टेट में, जैसे पहले भी था, लेकिन पहले वाले केस में से जो पहला केस था उसमें कम्प्लीटली सोल्यूबल थे वो सॉलिड स्टेट में भी, लेकिन इस केस में क्या होगा, कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, बल्कि पार्टली सोल्यूबल है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं, इसमें भी सेम ऐसी डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा चेंज दे रखा है इसमें बस, है ना। तो इस डायग्राम को देख लेते हैं एक बार, ये डायग्राम क्या बताता है। इन दिस, जैसे पढ़ लेते हैं एक बार, यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं कैडमियम और बिस्मिथ, ठीक है, दो एग्जांपल ले रखे हैं। अगर इस तरफ चल रहे हैं तो बिस्मिथ हो गया आपका 100% इस पॉइंट पर, और यहाँ पे बिस्मिथ हो गया 0, और सिमिलरली यहाँ पे जो कैडमियम है वो आपका 100% है, और यहाँ पे आपका जो कैडमियम है वो 0% है। इन दिस इक्विलिब्रियम ऑफ कैडमियम बिस्मिथ सिस्टम इज शोन इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैडमियम इज एडेड टू द मोल्टन बिस्मिथ। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। अब ये कह रहा है कि अगर इस डायग्राम में कैडमियम बिस्मिथ का एक सिस्टम दे रखा है, एलॉय बन रहा है ना, अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैडमियम इज एडेड, कैडमियम का मतलब क्या हो गया, हम इस तरफ को बढ़ रहे हैं क्योंकि कैडमियम हमारा यहाँ पे 100% है, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैडमियम तो इस तरफ को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे इधर हम इस तरफ को बढ़ते जाएंगे इस तरफ को, है ना, तो हमारा कैडमियम इंक्रीज, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ, इस तरफ को बढ़ रहे हैं तो हमारा कैडमियम हमारा कितना है 100% इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, और बिस्मिथ हमारा इस तरफ को इंक्रीज होता जा रहा है राइट साइड में, कैडमियम लेफ्ट साइड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैडमियम इज एडेड टू द मोल्टन बिस्मिथ, मोल्टन बिस्मिथ मतलब इस कहीं तकरीबन इस पॉइंट की बात कर रहा होगा, है ना, ये देखो ये दे रखा है बी लाइन, है ना, बी और ई की बात कर रहा है, ठीक है।
एज इंडिकेटेड बाय द लाइन बी ई, ये लाइन दे रखी है बी ई, है ना। जैसे जैसे इस तरफ को बढ़ते जा रहे हैं तो आपका अब इसमें तो 100% था ही, अब जैसे जैसे हम लेफ्ट डायरेक्शन में हम मिक्सिंग करेंगे, इस तरफ को बढ़ते चले जाएंगे और तकरीब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो कैडमियम है, ये जो कैडमियम मैंने बताया था, ये आपका बढ़ता जा रहा है इसमें, है ना। अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पर आपका जो बिस्मिथ है वो 80% रहेगा और जो कैडमियम है वो आपका 20% रहेगा, क्योंकि इस तरफ को बढ़ेगा तो कैडमियम और इस तरफ को बढ़ेगा तो आपको 80% ये दिखाई रखा है बिस्मिथ का, तो ठीक है। से मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। On other hand, if a small amount of bismuth is added to the molten cadmium, the freezing point of the resulting alloy is lowered. दोनों केस में ये कह रहा है कि बिस्मिथ में अगर हम मिक्सिंग करें कैडमियम की तो ये जो टेम्परेचर है लोअर होता जा रहा है, ये बी से लेके ई तक अगर हम बात कर रहे हैं ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हम कैडमियम में बिस्मिथ मिक्स करें, जब कैडमियम यहाँ पे 100% है तो बिस्मिथ इस तरफ को बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे 80% आपका कैडमियम है और 20% आपका बिस्मिथ, तब भी आपकी जो लाइन है वो तो टेम्परेचर की लाइन है फ्रीजिंग टेम्परेचर की, वो आपकी डिक्रीज होती जा रही है और दोनों की दोनों पॉइंट एक इस पॉइंट पर मिल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे यूटेक्टिक रिएक्शन पॉइंट बोला जाता है ना। दोनों की दोनों इस पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है, यही बताएगा आगे जाके। द अमाउंट ऑफ इज एडेड बाय मोल्डन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग एलॉय इज लोअर, दोनों केस में। सो इट इज क्लियर दैट ईच मेटल्स लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अदर, the lines connecting these freezing point must intersect at the same point. वही जो आपका point है उसे ही हम E से represent कर रहे हैं, E से दिखा रखा है diagram, ठीक है। This point ये दिख रखा है, this point E is shown in the diagram and represented 60% of bismuth and 40% of cadmium. This melting point is called eutectic point and this reaction is called eutectic reaction. हमेशा याद रखो यूटेक्टिक रिएक्शन का मतलब जो पार्टली सोल्यूबल हो सॉलिड स्टेट में और कम्प्लीटली सोल्यूबल हो लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद कर लेना है, ठीक है। इस तरफ जब हम बढ़ते जा रहे हैं तो इस पॉइंट ई को, ई पर अगर आप देखोगे तो बिस्मिथ जो है आपका वो 60% और कैडमियम आपका 40% हो जाएगा, 60-40 का रेशियो बन के आ रहा है दोनों में, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके बाद ये फिक्स एग्जाम्पल है कि अगर आप लोग कैडमियम और बिस्मिथ को मिक्स करोगे, दो मेटल लोगे तो वो रिएक्ट ऐसे ही करेंगे सबको, किसी भी लैब में कर लो तब भी आपका डायग्राम यही बन के आएगा, ठीक है। मिनट में से क्लियर कर देता हूँ और, ठीक है। तो यही सब चीजें इसमें समझा रखी हैं, ठीक है। ये लिक्विड प्लस सॉलिड फेज बन रहा है, लिक्विड प्लस सॉलिड फेज बन रहा है, ये टोटल सॉलिड सॉल्यूशन बन के आ रहा है ना। लिखा हुआ नहीं है, आप इसे समझ लो सॉलिड सॉल्यूशन, किसका सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, ए प्लस बी का। ए प्लस बी का मतलब अगर ए आपका हो गया बिस्मिथ और बी ये हो गया आपका कैडमियम, इसे कंसीडर कर सकते हो। जैसे पहले मैंने और बी दिखा रखा था, यहाँ पे हमने क्या ले रखे हैं, कैडमियम एंड बिस्मिथ, ठीक है। बिस्मिथ हमने इस पॉइंट पे ले रखा है 60% और यहाँ पे ले रखा है ये 40%। तो इस केस में हमारे जो है एक पॉइंट मिलता है जिस पे आपका सॉलिड लिक्विड फेज नहीं मिलता, डायरेक्ट आपका लिक्विड स्टेट से सॉलिड सॉल्यूशन में सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका यूटेक्टिक रिएक्शन। इसका भी एक और दूसरा केस दे रखा है कि कंप्लीटली लिक्विड सोल्युबिलिटी विद द पार्शियल सॉलिड सोल्युबिलिटी, ठीक है। अब इसी का दूसरा केस दे रखे हैं, यहाँ पे जो दे रखा था यहाँ पे क्या कह रहा था ये कि दो मेटल हैं सोल्युबल लिक्विड स्टेट में भी लेकिन कंप्लीटली इनसोल्युबल इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट दे रखा है कंप्लीटली लिक्विड सोल्युबिलिटी विद पार्शियल सॉलिड सोल्युबिलिटी, है ना। इसको भी आप एक बार समझ लो, ठीक है। तो पहले वाले डायग्राम था, तो पहले वाले डायग्राम में एक बार मैं फिर याद दिला रहा हूँ, हमने अभी तक दो डायग्राम पढ़े, जो सबसे पहला डायग्राम था उस डायग्राम में लिक्विड में कम्प्लीटली सोल्यूबल है और जो आपका सॉलिड है उसमें भी कम्प्लीटली सोल्यूबल है। यूटेक्टिक सिस्टम में जो पहला केस हमने पढ़ा है, अभी जो सेकेंड वाला है इसमें, वो है आपका जो सोल्यूशन बनता है वो लिक्विड स्टेट में कम्प्लीटली सोल्यूबल है और जो दूसरा इनकम्प्लीट इनसोल्यूबल इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। मैंने आपको पार्शियल बता दिया, पार्शियल नहीं है ये आपका, कम्प्लीटली इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल नहीं है। तो ये वाला केस है आपका थर्ड वाला केस जिसकी हम बात करेंगे, मतलब यूटेक्टिक का सेकंड है, वैसे टोटल थर्ड केस है। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका पार्शियल सॉलिड सोल्यूबिलिटी मिलेगी, ठीक है। इसमें भी एग्जाम्पल दे रखे हैं लेड और टीन का, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा दिखाई दे रहे होंगे, तो अल्फा और बीटा कुछ नहीं है, अल्फा और बीटा सॉलिड सॉल्यूशन के एक फेज है, ठीक है, अल्फा भी और बीटा भी, ठीक है।
पहले से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको और थोड़ा सा क्लियरली समझा देता हूँ, या आपको समझ में आ ही गए होंगे। यहाँ पे टेम्परेचर्स भी मेंशन कर रखा है जैसे पहले कर रखा था। जैसे पहले इसमें लिक्विडस लाइन बन के आ रही थी इस टाइप के डायग्राम में, ऐसे यहाँ पे भी है। इस लिक्विडस लाइन एक ये हो गई, लिक्विडस लाइन एक ये हो गई, एक ये सोलिडस लाइन होगी, एक ये सोलिडस लाइन होगी, एक सेकंड सोलिडस लाइन होगी, फर्स्ट सोलिडस, अलग अलग ये सोलिडस 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 और ये लिक्विडस और लिक्विडस, ठीक है। चलिए अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसे बता देता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लेड, ये देखो लेड और टीन की बात कर रहे हैं, लेड मतलब पीबी और टीन मतलब एसएन, ठीक है। तो अगर हम टीन की बात करते हैं तो अगर हम राइट डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं तो टीन बढ़ता जा रहा है, टीन टीन की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होती जा रही है, और अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आपका जो लेड है उसकी परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम आप समझ लो, ऊपर लिक्विड फेज है जैसे पहले था, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे ये भी अल्फा प्लस सॉलिड अल्फा प्लस बीटा है ना। और अगर हम चाहें तो इसे और थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं, है ना। वो मैं आपको भी दिखा दूंगा शेयर करके, अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड इज 327 डिग्री सेल्सियस एंड एसएन इज 232 डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है, 232 डिग्री सेल्सियस दे रखा है टीन के लिए और लेड के लिए दे रखा है 100% पे 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टीन इज डिजोल्व इन लेड, इसका क्या मतलब हुआ कि जो का बहुत कम अमाउंट हम मिक्स कर रहे हैं किसके अंदर, लेड के अंदर, किसका, टीन का, तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो लेड है 100%, इसमें टीन मिक्स कर रहे हैं, जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आपका ये टीन इसके अंदर मिक्स होता जा रहा है। स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ लेड इज डिजोल्व इन टीन, बोथ द कॉम्पोनेंट डिजोल्व इन ईच अदर सफिशियंटली इन अल्फा प्लस बीटा फेज, ये कि अल्फा फेज हो गया, ये अल्फा प्लस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फेज हो गया, ये अल्फा प्लस लिक्विड फेज और बीटा प्लस लिक्विड, ये अल्फा और बीटा समझ लो पहले एक बार क्या होता है, आपको इसमें कंफ्यूजन होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ अल्फा की, अल्फा क्या है, अल्फा एक सॉलिड सॉल्यूशन है, पहले तो आप ये समझ के चलो थोड़ा सा, लेकिन इसे स्पेसिफाई करके हमने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है सॉलिड सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ एस एन मतलब टीन इन इन लेड, ये भी सॉलिड सॉल्यूशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सॉलिड सॉल्यूशन है किसका, टीन का, किसके अंदर, लेड का, ठीक है। मतलब इसकी बात चल रही है कि जैसे हमने इसमें लाइन में कहा है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट जो है टीन का मिक्स करें किसके अंदर, लेड के अंदर, है ना, तो हम इसे अल्फा से दिखाएंगे। अगर हम इसे ठीक उल्टा कर दें कि सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ लेड इन टीन, टीन मतलब एसएन, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये बीटा फेस को दिखा रहा है, ये वाला फेस दिखा रहा है। एक मिनट इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसमें इरेजर, ये इरेजर, है ना, ये जो ये वाली पॉइंट है ये आपका ये दिखा रहा है बीटा फेज, इतना फेज जो दिखा रहा है इसके इधर का, ये वाला फेज, ये वाला बीटा फेज है और ये वाला अल्फा फेज है। और जैसे जैसे हम इस तरफ को इंक्रीज होंगे राइट साइड में, तो ये आपका अल्फा के साथ लिक्विड फेज मिक्स हो जाएगा, अल्फा के साथ लिक्विड मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। और इसे हम सेपरेट कर देते हैं इस पोर्शन को, नीचे वाला आपका अल्फा के साथ, यहाँ पे अल्फा था क्योंकि जैसे जैसे हम इधर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इसमें सॉलिड सॉल्यूशन बन गया अल्फा और बीटा का, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर हम इतने केस की बात करेंगे, ये एक मिनट में दोबारा क्लियर करके समझा देता हूँ आपको। अगर मैं बात करता हूँ इस इतने एरिए की, जो ये वाला फेस बन के आएगा इस पॉइंट डी से इधर, तो इसे हम बोल सकते हैं ये सॉलिड सॉल्यूशन किसका हुआ, अल्फा प्लस बीटा का, लेकिन अल्फा की जो परसेंटेज होगी वो ज्यादा होगी और जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, सरप्लस बीटा, ये जो पोर्शन और जो थोड़ा बहुत बचा वो रहेगा इसमें, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में, परसेंटेज में, वो होगा आपका बीटा, सरप्लस बीटा। सिमिलरली अगर मैं इससे इस तरफ की बात करता हूँ, इस पॉइंट डी से जो यूटेक्टिक पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि यूटेक्टिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका बीटा की जो वैल्यू होगी, जैसे वहाँ पे अल्फा की ज्यादा थी तो यहाँ पे किसकी होगी, बीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और प्लस
मतलब है तो अल्फा प्लस बीटा का ही फेज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, है तो अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा में जो अल्फा की वैल्यू होगी, तो सॉरी बीटा की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अल्फा प्लस, अगर हम इस अल्फा प्लस बीटा को सेपरेट कर दें तो बीटा की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू बचा हुआ सरप्लस, जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है यहाँ पे, अल्फा बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो अल्फा हमारा कम होता जा रहा है, जैसे जैसे इधर बढ़ते जा रहे हैं तो आपका बीटा हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है, इसी की मिक्सिंग की बात चल रही है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से डायग्राम, है ना, लिक्विड फेज सॉलिड फेज अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस एल्फा। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में समझ देते हैं, स्मॉल क्वांटिटी हमने मिक्स कर दी थी अल्फा प्लस बीटा की, यहाँ की बात कर रहा था ये, टू फेज रीजन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस लिक्विड। अल्फा प्लस बीटा ये वाला हो गया टोटल फेज, है ना, वो मैंने आपको अलग से समझा दिया था कि कौन सी किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, द टू फेज रीजन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब ये वाला हो गया एंड अल्फा प्लस लिक्विड मतलब ये वाला हो गया, कोमा अल्फा प्लस बीटा एंड लिक्विड, अल्फा प्लस बीटा कौन सा हो गया, अल्फा प्लस बीटा ये वाला सॉलिड सोल्यूशन हो गया एंड लिक्विड एंड ये वाला पोर्शन जो हो गया, कोमा अल्फा प्लस बीटा ये वाला पूरा फेज हो गया एंड बीटा प्लस लिक्विड, और इसकी बात कर रहा है जो सेपरेट करते इस लाइन को, ये वाली लाइन जो जा रही है, ये जो टेम्परेचर दे रखा है यूटेक्टिक टेम्परेचर, ई मतलब यूटेक्टिक दिखा रखा है, यूटेक्टिक रिएक्शन चल रही है ना, जैसे पहले था, पहले ई से दिखा रखा था, यहाँ पे पॉइंट डी से दिखा रखा है, तो इसको सेपरेट कर रहा है, किस किस को सेपरेट कर रहा है एक बार और देख लेते हैं, इस फेज को अल्फा प्लस लिक्विड और अल्फा प्लस बीटा को, दूसरा लिक्विड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस लिक्विड। आई होप समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप फिर मेरे से एक बार व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी कोई भी जो भी आपको सुटेबल लगता हो उससे आप पूछ सकते हो। ठीक है, आर सेपरेटेड बाई हॉरिजॉन्टल लाइन बी डी ई, बी डी ई सिंपल इस लाइन से सेपरेट कर रखा है इतने पोर्शन को और ऊपर वाले पोर्शन को अलग अलग स्पेसिफाई, इसके साथ इसके साथ इसके साथ और लिक्विड के साथ। ठीक है, दिस लाइन कोरस्पॉन्ड्स टू अ टेम्परेचर टीई, यूटेक्टिक टेम्परेचर जिसे कहते हैं, लिख रखा है कंपोजिशन एट डी इज कॉल्ड यूटेक्टिक कंपोजिशन ऑन सीई। ठीक, कंपोजिशन सी मतलब कंपोजिशन एंड ई स्मॉल ई मतलब यूटेक्टिक। एट दिस पॉइंट द लिक्विड फेज एल ट्रांसफॉर्म्स टू द अल्फा प्लस बीटा फेज ड्यूरिंग कूलिंग एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग हीटिंग, है ना, इस पॉइंट पर जैसे पहले हो रहा था लिक्विड फेज से सीधा चेंज हो जा रहा है इस पॉइंट पर, इस परसेंटेज पर। ठीक है, और इस टेम्परेचर पर, ये समझने वाली बात है कि जब हमारा अप्रोक्सीमेटली 60% आपका होगा टीन और अप्रोक्सीमेटली 40% होगा आपका लेड, तो इस पॉइंट पर अगर आपका टेम्परेचर 183 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस में ले रखा है टेम्परेचर, और ये परसेंटेज है दोनों मेटल की, तो इस पॉइंट पर जिसे ही हम यूटेक्टिक पॉइंट बोला जाता है, तो लिक्विड फेज आपका चेंज हो जा रहा है। इसकी अगर रिएक्शन जो इसने बात लिखी है, एक बार इसे और इक्वेशन से समझ लेते हैं, कोशिश करता हूँ समझ में आ जाए, जो लिक्विड फेज है वो आपका कूलिंग से, या इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं हीटिंग से, है ना, इसमें चेंज हो जा रहा है अल्फा प्लस बीटा फेज में सॉल्यूशन में, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन कूलिंग को रिप्रेजेंट दिखा रही है, जो कूलिंग हो गई, और अगर इसी को हम ठीक उल्टा कर दें, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें ऊपर की तरफ चलें, तो अल्फा प्लस बीटा से ये आपका हो जाएगा, अगर हीटिंग कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इसलिए वाइस वर्सा, अगर हीटिंग करेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन से लिक्विड में जाएगा, और अगर कूलिंग करेंगे तो लिक्विड से आपका सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें ये चीज़ें समझा रखी है, सिंपल डायग्राम है, डायग्राम देखने में मुश्किल लगते हैं, डरावने लगते हैं, लेकिन है सिंपल बिल्कुल, थोड़ा सा अगर दिमाग लग गया समझा जाए इसे, है ना, अलग अलग तो अल्फा और बीटा समझ में, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, और तो सब चीज़ें ये आपने पहले मैंने आपको बताई दी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक तो होता है यूटेक्टिक, ध्यान देना यूटेक्टिक फेज डायग्राम, अभी तक जो हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें पहले वाला जो केस था, मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, यूटेक्टिक की बात कर रहा हूँ, यूटेक्टिक में जो सबसे पहला केस था वो हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला,
कि टू मेटल्स हैं कंप्लीटली सोल्यूबल एंड लिक्विड स्टेट। कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में सोल्यूबल तो होंगे ही होंगे, ह्यूमिड उत्तरी रोल को फॉलो करके, क्योंकि है ना, लेकिन कंप्लीटली इनसोल्यूबल, सोल्यूबल नहीं है इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था आपको को, पार्टली पार्टली नहीं है ये, कंप्लीटली इनसोल्यूबल इन सॉलिड स्टेट। सेकेंड केस की बात कर रहे हैं, कंप्लीटली लिक्विड सोल्यूबिलिटी, 100% कंप्लीटली सोल्यूबल है लिक्विड स्टेट, दो मेटल कोई भी ले सकते हैं जो जिसकी जो भी प्रोबेबिलिटी हो मिक्सिंग होने की, है ना, और बट विथ पार्शियल सॉलिड सोल्यूबिलिटी, लेकिन पूरी तरह से सोल्यूबिलिटी नहीं है, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि सोल्यूबिलिटी है ही नहीं, है ना, लेकिन पार्शियल है। ठीक है, तो पार्शियल कुछ हिस्सा मिक्स हो सकता है सोल्यूशन में, जो ये डायग्राम आपको दिखाई रहा है। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन, ये तो यूटेक्टिक की बात, ये बात, ये बात यूटेक्टोइड फेज डायग्राम की, डायग्राम ये रहेगा इसका, बस छोटा सा डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस केस में यूटेक्टिक रिएक्शन में लिक्विड फेज को कूलिंग करते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन में चेंज होता है अल्फा प्लस बीटा के, है ना, अगर क्योंकि अल्फा क्या है, अल्फा एक मेटल की परसेंटेज है दूसरे मेटल में, ऐसी बीटा दूसरे मेटल की परसेंटेज है पहले वाले मेटल में। ठीक है, तो इस अगर हम यूटेक्टिड की बात करेंगे, इन यूटेक्टोइड सिस्टम ए सॉलिड फेज रिप्लेसेस द लिक्विड फेज ऑफ द यूटेक्टिक सिस्टम, द यूटेक्टिक रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड फेज। इंपॉर्टेंट लाइन यही है इसमें, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो सॉलिड फेज को किस में चेंज कर रहे हैं, सॉलिड फेज में ही चेंज हो रहा है, या फिर उल्टा हो रहा है इसका, है ना, उल्टा मतलब वही वाइस वर्सा है ना, कूलिंग करेंगे तो कुछ, हीटिंग करेंगे तो फिर वापस उसी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बर्फ होता है, बर्फ को उबालोगे, पानी को उबालोगे सॉरी, तो क्या होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे ठंडा करोगे तो आपको सॉलिड में हो जाएगी। ठीक है, वही वाली बात है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, गामा की एक स्टेट होती है, ठीक है, गामा एक ऑस्टेनाइट की स्टेट होती है, ठीक है, सॉलिड फेज होती है जो अल्फा प्लस बीटा ऐसी इसमें होता है, तो जो सॉलिड फेज है गामा वो आपका चेंज हो जाए अगर अल्फा प्लस बीटा फेज सॉलिड में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसकी जो आपकी थर्ड सेकेंड यूनिट जो बनती है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ये अंतर होता है, वहाँ पे लिक्विड से चेंज हो रहा था सॉलिड में, यहाँ पे सॉलिड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, लेकिन जो फेज है सॉलिड के वो चेंज है, यहाँ पे गामा सॉलिड फेज है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सॉलिड फेज है। तो हम इस डायग्राम को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, ये हम उसमें पढ़ते हैं जब आप इसकी वो पढ़ोगे, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है, ट्रिपल टी डायग्राम। तो यहाँ पे गामा को ऑस्टेनाइट होता है, ये ऑस्टेनाइट को सोक करने के बाद ये सॉलिड सॉल्यूशन ही होता है लेकिन चेंज होता है ना। तो ये यूटेक्टिड रिएक्शन क्या बताती है कि जो एक गामा फेज है, गामा फेज किस में चेंज हो जाए, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ गामा फेज इज कन्वर्टेड इनटू, इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फेज और वाइस वर्सा ऑन हीटिंग, इट विल कन्वर्ट इनटू अगेन गामा ऑस्टेनाइट फेज। ठीक है, गामा मतलब ऑस्टेनाइट फेज होता है, माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो मैं आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, फिर भी मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता है तो आप फिर भी मुझसे एक बार और पूछ सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन ऐसी आती है, प्रोटेक्टिक फेज डायग्राम, सच डायग्राम इज ऑब्टेंड व्हेन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टू कंपोनेंट डिफर टू मच फ्रॉम ईच अदर। जब मेल्टिंग, जो मेल्टिंग टेम्परेचर आप समझ गए होंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर एक ही बात है, यहाँ पे 327 डिग्री सेल्सियस था लेड का, और यहाँ पे जो 232 डिग्री सेल्सियस था वो आपका टीन का था, लेकिन ये तो आसपास के टेम्परेचर की बात हो रही थी, है ना, लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो फ्रीजिंग और मेल्टिंग टेम्परेचर का, तब प्रोटेक्टिक रिएक्शन बोला जाता है उस केस में जब मिक्सिंग करते हैं। सच डायग्राम इज ओपन व्हेन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स डिफर टू मच फ्रॉम ईच अदर। जैसे गोल्ड लेड सिस्टम इज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रखा है ना, AU gold and lead is the PB lead. This system is an example. The melting points of the gold and lead are 1063 degrees Celsius and 322 degrees Celsius. There is vast difference between these two, gold and lead. है ना? तो उस केस में अगर मिक्सिंग कराते हैं तब ये डायग्राम बन के आता है। There's a vast difference of the, अच्छा ये आ गया, vast difference of the 736 degrees Celsius का इसमें जो ये difference आ रहा है। तब जो डायग्राम हमें मिलता है उस डायग्राम को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिक डायग्राम। ठीक है, प्रोटेक्टिक फेज डायग्राम, ये इसका एक डायग्राम दे रखा है, इसमें भी वही अल्फा भी वही चीज है, बीटा भी वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम इसमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये आपको मिलता है, ये आपका वही लिक्विडस हो गया, ये आपका लिक्विडस हो गया, ये सॉलिडस हो गया, ये सॉलिडस हो गया, ये सॉलिडस हो गया। ठीक है, और ये आपका सॉलिडस हो गया। ठीक है, ये दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं, जो एग्जाम्पल ले रखा है प्लेटिनम और सिल्वर का ले रखा है इसने, है ना। तो उस केस में जो है इसका टेम्परेचर जो ये प्लेटिनम का ये 1185 डिग्री सेल्सियस और ये 1769 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इस तरह का कुछ डायग्राम आपको मिलता है। ठीक है, तो इस केस में आप लोग समझो इसकी जो रिएक्शन बनते हैं प्रोटेक्टिक की वो क्या बन के आ रही है, बीटा प्लस लिक्विड फेज अगर चेंज हो जाए किसमें, अल्फा प्लस सॉलिड में। ठीक है, बीटा प्लस लिक्विड, बीटा प्लस लिक्विड ये दे रखा है ना,
जैसे वहां पे पॉइंट आ रहा था आपका, सबसे पहले वाले में ई आ रहा था और उसके बाद पॉइंट डी आया था, डी पॉइंट को यूटेक्टिक बोल रहे थे, इससे पहले वाले डायग्राम में ई पॉइंट को यूटेक्टिक बोल रहे थे। और अगर यूटेक्टिवॉइड की बात करेंगे तो उस पॉइंट पे भी वो चेंज कर सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन के आएगा वो आपका पॉइंट बी है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इसकी जो रिएक्शन बन के आ रही है वो रिएक्शन क्या बन के आएगी, अगर बीटा प्लस लिक्विड फेस कूलिंग करने के बाद, कूलिंग का मतलब टेम्परेचर अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं किसी भी परसेंटेज पे, इस वाली परसेंटेज पे, सीपी से दिखा रखा है ना, सी का मतलब इसकी कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटेक्टिक इस पॉइंट बी पर, ठीक है, जैसे पहले वाले केस में हुआ था, पहले वाले केस में हमने ये ले रखा था यहाँ पे, है ना, ये जो पॉइंट डी बन रहा था 62 और 38 के, मतलब 60 और 40 के अप्रोक्सीमेटली जो बन रहा था। सिमिलरली जो यहाँ पे बन के आएगा वो आपका सेम, अगर आपको इसे पहले डायग्राम समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में इजीली आ जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका सीपी, ये आपका जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम की वैल्यू रहेगी लगभग यहाँ पे ये 40 के आसपास, और जिसकी वैल्यू रहेगी ये 60 के आसपास, 40-60 का रेशियो रहेगा दोनों में परसेंटेज का, है ना। तो तब जो ये वीडियो बन के आएगी, वो सॉरी ये बन के आएगा जो आपका ये डायग्राम, तो ये आपका प्रोटेक्टिक डायग्राम होता है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह जैसे यूटेक्टिक का यूटेक्टोइड हुआ, यहाँ पे भी प्रोटेक्टिक का प्रोटेक्टोइड हो जाएगा। ये भी सेम चीज है, अगर गामा वर्क बीटा सॉलिड सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा सॉलिड सॉल्यूशन में, या फिर सॉलिड फेज जो चेंज हो जाता है अगेन हिटिंग करने के बाद गामा प्लस बीटा, तो उसे प्रोटेक्टोइड फेज डायग्राम बोला जाता है, ठीक है। ये सिंपल है ना। तो ये आपका, ये आज का जो पूरा चैप्टर था आपका ये खत्म हो गया, है ना। इसमें एक एक टॉपिक और रह गए हैं, है ना, वो पांच छोटा सा इसकी एक वीडियो बना देता हूँ मैं इसके बाद, है ना, तो मैं आपको वो चीज समझा दूंगा। दो डायग्राम रह गए आपका, द लीवर, एक तो लीवर रूल रह गया है और आपका टाई लाइन रह गया है, टाई लाइन वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। चलो उसके बाद आप लोग इसे पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो।